वेलकम बैक। इस वीडियो में हम MongoDB से इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जाना है MongoDB के वेबसाइट पे, जिसका URL है mongodb.com। उसके बाद क्लाउड मेन्यू एंड फिर एटलस सब मेन्यू पर क्लिक करना है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट एंड इजी है MongoDB एटलस, क्योंकि MongoDB को सिस्टम पे जब हम इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है। तो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है कि आप MongoDB क्लाउड जो है वो यूज़ करें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसे यूज़ किया हुआ है। ओके, तो MongoDB क्लाउड एटलस को यूज़ करने के लिए आपको अकाउंट सबसे पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर आपका अकाउंट है तो आपको लॉगिन करना है। उसके बाद क्लस्टर यानी कि डेटाबेस क्रिएट करना है इस ग्रीन बटन पर क्लिक करके। यहाँ से फ्री वाला आपको सेलेक्ट करना है, फिर प्रोवाइडर में इसमें मैं AWS सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन, तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और रीज़न में मैं मुंबई सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपका जो नियरेस्ट रीज़न है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्लस्टर क्रिएट क्लस्टर वाला ग्रीन बटन है, इस पर क्लिक करना है आपको। अब आपका क्लस्टर यानी कि डेटाबेस क्रिएट हो गया है और इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब है कि ये इनिशियलाइज हो रहा है। तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना है। जब हो जाए तो फिर सिक्योरिटी टैब में डेटाबेस एक्सेस में जाना है और यूज़र ऐड करना है, ऐड न्यू यूज़र। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कि ताकि मैं दोबारा से आपको क्रिएट करके दिखा सकूँ। सिंपली क्या करना है, यहाँ से यूज़र नेम मैं ऐड कर देता हूँ demo1 एंड पासवर्ड demo1234567 एंड ऐड यूज़र, ठीक है। आई थिंक ये वाला यूज़र यूज़ हो रहा है ऑलरेडी, यूज़र नेम। तो मैं यहाँ पे डेमो न्यू कर देता हूँ, और पासवर्ड जो है हमारा वो सेम रहेगा, demo1234567, ठीक है। इसके बाद नेटवर्क एक्सेस टैब में जाना है, और आईपी एड्रेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो करेंट आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके आप, या फिर जो है ग्लोबल आईपी जो है वो भी कर सकते हैं। इससे ये क्या है कि आपका कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा, यानी किसी भी एक्सेस से हो जाएगा, मतलब किसी भी आईपी से आपका जो डेटाबेस है वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप करंट आईपी ऐड करेंगे तो कल को जब आपकी आईपी अगर मान लो कि चेंज हो जाती है तो फिर आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेस्ट है कि अभी फ़िलहाल जो है बिगनिंग में आप ये वाला सेलेक्ट करें। ठीक है, इसके बाद क्लस्टर में वापस से जाना है आपको एंड कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट करने के लिए फिर उसके बाद कनेक्ट योर एप्लीकेशन, और यहाँ ये रहा कनेक्शन स्ट्रिंग जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हैं ना, ये हमारा जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग है, यानी कि इसके अंदर यूज़र नेम भी है, पासवर्ड भी है, और पूरा URL है जिसे हम यूज़ करेंगे। तो अब हमें करना क्या है, इसको यूज़ करने के लिए जाना है वापस से कोड एडिटर में, और कोड एडिटर का जो हमारा CLI है इसे ओपन करना है। और इसे यूज़ करने के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है मंगूस, ठीक है। इसे इंस्टॉल करने के लिए npm imongoose आपको ऐसे टाइप करके एंटर कर देना है। इसके बाद क्या होगा, जब हमारा मंगूस जब इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या है कि जाना है index.js में, और उसके बाद मंगूस को कॉल करना है। कॉल करने के लिए आपको करना क्या होगा, const mongoose equal require और फिर mongoose ऐड कर देना है एंड कनेक्ट टू db। ओके, अब यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। जब आप ये ऐड कर दें, वेरिएबल क्रिएट कर ले मंगूस, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मंगूस डॉट कनेक्ट मेथड यूज़ करना है,
उसके बाद क्या करना, इस मेथड के अंदर आपको दो पैरामीटर पास करने होंगे, एक तो हमारा जो कनेक्शन है स्ट्रिंग है वो, और दूसरा हमारा एक एरो फंक्शन जिसके साथ में मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ, कि ताकि इसमें जो मैं मैसेज लिखूँ वो जब ये कनेक्ट हो तो वो मुझे डिस्प्ले हो जाए, यानी कि हमें पता चले कि डीवी जो है वो हमारा यानी क्लस्टर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कनेक्टेड टू डीवी। उसके बाद आपको सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि ये वार्निंग मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है, बट ये वार्निंग मैसेज है। तो आपको क्या करना है, अगर इसे फिक्स करना चाहते हैं तो सिंपली इसमें जो मैसेज आ रहा है इसको आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे इसे ऐसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद सेव करना है। अब इसे वापस से जो है सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये कनेक्ट तो हो गया है, बट यहाँ पे जो यूज़र नेम है पासवर्ड है वो हमने जो क्रिएट किया था वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम में ऐड कर देता हूँ डेमो न्यू, एंड पासवर्ड में demo12345 जो हमने क्रिएट किया था। ठीक है, अब ये हमने क्रिएट कनेक्ट तो कर दिया है, बट इसमें एक इशू है। इशू ये है कि ये सिक्योरिटी के हिसाब से सही नहीं है। जब आप इसे अपलोड करेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस का वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, सीधा सबको पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको डॉट ई एन वी फाइल में ऐड करेंगे और उसके बाद उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डॉट ई एन वी फाइल को एक्सेस करने के लिए और यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि डॉट ई एन वी जो है वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फिर हमें जाना है वापस से सी एल आई में और एन पी एम आई डॉट ई एन वी। ठीक है, उसके बाद एंटर। जब आपका ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद फिर आपको जाना है इंडेक्स डॉट जे एस में, और फिर आपको क्या करना है कि इसको कॉल करना है कॉन्स्ट डॉट ई एन वी इक्वल रिक्वायर डॉट ई एन वी, और उसके बाद डॉट ई एन वी डॉट कन्फिग मैथड का यूज़ करना है। ठीक है, इससे क्या होगा ये कि कन्फिगर हो जाएगा। और अब करना क्या है आपको कि बैकएंड फोल्डर के अंदर डॉट ई एन वी फाइल क्रिएट करना है। ध्यान रखना कि आपको बैकएंड फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए डॉट ई एन वी फाइल क्रिएट करना है, और उसके बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली डी वी अंडर स्कोर कनेक्ट, यहाँ पे मैं कैप्स में इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि थोड़ा ये अलग से पता चले कि हाँ हमारा ये वेरिएबल है। ठीक है, बाकी आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो मतलब हमने यहाँ पे जो ऐड किया था इसी को मैं कट करके डाल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर वापस इंडेक्स डॉट जे एस में कनेक्शन स्ट्रिंग की जगह पे अब हमें क्या करना है कि डॉट ई एन वी फाइल अब हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको एक्सेस करने के लिए प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट डी वी कनेक्ट जो कि हमने वेरिएबल क्रिएट किया था वो। ठीक है, उसके बाद जो है इसे सेव कर देना है। पहले हमने डबल कोट में लिखा था कनेक्शन स्ट्रिंग, अब हम क्या कर रहे हैं कि सीधा लिख रहे हैं उसे हटा करके। ठीक है, सेव हो गया। अब क्या है कि ये जो हमारा डेटाबेस है ये हमारा मोंगो डीबी से कनेक्ट हो गया है। अब इसे सेव करके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज में आ रहा है ये डीबी कनेक्टेड है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, और उसके बाद मॉड्यूल के साथ में जो हमारा डेटा है उसको हम ऐड करेंगे डेटाबेस के अंदर, जो हमारी लिस्टिंग है उसको ऐड करेंगे।